हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा और सभी का अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत है। आज 86 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, मेरी पसंद का, जिसके अंदर दो EMD इंजन हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। दोनों EMD इंजन 16 सिलेंडर के और दोनों ही 2-स्ट्रोक इंजन हैं, पावरफुल मॉन्स्टर हैं और दोनों ही वाराणसी के बने हुए निर्मित है, BGKT के दोनों शेड के, पर एक इनमंतर है, एक इसमें WDP-4D है, एक है WDG-4, यानी कि एक तो पैसेंजर ट्रेन का है और एक है मालगाड़ी का। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, पैसेंजर ट्रेन जो है उसका इंजन जो है EMD इंजन है वो थोड़ा लाइटर होता है, जबकि गुड्स ट्रेन का हैवियर है, फ्रेट लोकोमोटिव बहुत हैवियर होता है और इसका जो गियर रेशियो है वह लोअर होता है, यानी कि ट्रैक्शन मोटर गियरिंग के अंदर इसका लोअर गियर होता है, जिसके कारण कि इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है। टॉर्क ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, पर आज सुपर फास्ट ट्रेन को ये टॉर्क वाला WDG-4 इंजन पुल कर रहा है और दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। फुल जूम और फुल वाइड का भी हमने इसमें कैमरे का उपयोग किया है, साथ साथ में पैनिंग इफेक्ट भी इसमें यूज़ किया है। जो ट्रेन जा रही है दिल्ली वाली, उसको हमने लगातार पैनिंग इफेक्ट से कैप्चर किया हुआ है, तो इसको देखने का अलग आनंद आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये दोनों इंजन BGKT के, एक से पावर, सेम इंजन सेम पावर, सब कुछ होने के बाद दोनों का स्पीड भी एक साथ है और दोनों पैरेलल भी चल रही है, जो वाकई देखने में आंखों के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट है, एक बहुत अच्छी खुराक है। तो दोस्तों ये देखते रहिए। थार डेजर्ट में जो आवागमन का सबसे सुगम साधन जो हुआ करता था वाहन, वो था ऊंट और ऊंट के साथ कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे ऊंट सुस्ता रहे हैं, लंबी दूरी सफ़र करके आए हैं और जो ऊंट चालक हैं अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और ऊंट भी अपना भोजन अलग से ग्रहण कर रहे हैं। ये साधन था पुराने ज़माने में, जो अभी भी थार डेजर्ट में अभी तक प्रचलित है। और ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे विज्ञान ने अपनी करवट बदली है और हम प्रगतिशील हो गए, उसी के अनुसार हमारी गाड़ियाँ भी बहुत फास्ट हो गई हैं। भारतीय रेलवे ने एक बेहतरीन काम करके अच्छे चेंजर बना लिए। तो आज जो हम ट्रेन दिखाने जा रहे हैं, वो ट्रेन जो आने वाली है, एक तो है बीकानेर से बम्बई जाने वाली बीकानेर बांद्रा रणकपुर एक्सप्रेस और दूसरी गाड़ी जो है वह 22471 बीकानेर से दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि WDG-4 से चल रही है। WDG-4 जो इंजन है ये गुड्स का है और आपने अक्सर ये देखा होगा, या मैं कहूँ ज़्यादातर हमेशा ही ये देखा होगा कि सवारी गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में हमेशा गुड्स तो लग जाता है, गुड्स का इंजन लग जाता है, परंतु गुड्स के अंदर कभी भी पैसेंजर का इंजन नहीं लगता, जैसे कि WDP-4, WDP-4D वगैरह वगैरह। तो इसका भी कोई कारण है, ये ऐसा क्यों होता है, यानी कि जब जो WDG-4 है वह तो दोनों में लग जाता है इनवेरिएबली, पैसेंजर एज वेल एज फ्रेट के अंदर भी, जबकि पैसेंजर का इंजन गुड्स में कभी नहीं लगता। इसके क्या मायने, तो इस प्रकार WDP-4D और WDG-4 दोनों BGKT के, दोनों EMD इंजन, दोनों 16 सिलेंडर के, दोनों एक साथ चल रहे हैं, मगर फ़र्क कितना है, एक पैसेंजर का है इंजन और एक गुड्स का है, दोनों का हमने कंपैरिजन आपको शॉर्ट में बता दिया है। और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में दो गाड़ियां एक साथ पैरेलल लेके जा रहे हैं, जो देखने में बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही विलक्षण लग रहा है। और दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट से 180 डिग्री पे टर्न, एक उत्तर दिशा में चला जाएगा, एक साउथ में चला जाएगा, साउथ वाला जाएगा बम्बई की ओर और उत्तर दिशा में जाएगा दिल्ली की ओर। दिल्ली के लिए जा रही है गाड़ी 22471 और साउथ के अंदर जा रही है बम्बई के लिए 14707 रणकपुर एक्सप्रेस। ये अभी हमारा मैक्सिमम जूम है और इसके जूम के तुरंत बाद हम इसको मैक्सिमम वाइड करेंगे और हम फिर हमारी वस्तु स्थिति देखेंगे, हम कहाँ खड़े थे। और ये दोनों गाड़ियों का आप अद्भुत नज़ारा आप देखिए और एन्जॉय कीजिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट हमेशा की तरह ज़रूर करना, कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, अगले वीडियो के लिए फिर मिलने का वादे के साथ मैं, खुदा हाफिज़, नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गुड बाय। और अंत में आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभ मंगल कामनाएं देते हुए, आपका परिवार
सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और आनंदित रहें। अच्छी तरह से दिवाली का त्यौहार मने और घर में खूब खुशियाँ आनंद आए, ऐसी मेरे प्रभु भगवान से ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी लोग आनंद से रहें, अपना ध्यान कोरोना में जरूर रखें, ना रखें अपने परिजनों पर रखें, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर ज़रूर वाकिफ करना। और आपने हमारा वीडियो देखा, अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर मिलने के बाद एक साथ, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।